बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हम किन किन टाइप्स के डेटा को स्प्रेडशीट में इंसर्ट करवा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बाकायदा सेल में डेटा को इंसर्ट करना, सेल में मौजूद किसी भी डेटा पर एडिटिंग करना और एमएस एक्सेल में किस तरह आप न्यू सेल्स, रोस एंड कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट करवा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्प्रेडशीट में जो बेसिक यूनिट होता है डेटा को इंसर्ट, अरेंज, स्टोर या फिर डिलीट करने का, वो है सेल। यानी यहाँ आपको सिर्फ सेल ही सेल्स नजर आ रहे होंगे और उन्हीं सेल्स में आपको तमाम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवानी होती हैं। तो आइए फिर सबसे पहले सेल में डेटा को किस तरह इंसर्ट किया जाता है ये देखते हैं। मूविंग द सेल पॉइंटर। दोस्तों जिस तरह एमएस वर्ड में कर्सर होता था जो कि ये इंडिकेट करता था कि आप डॉक्यूमेंट में डेटा को कहाँ इंसर्ट करने जा रहे हैं, यानी जहाँ वो कर्सर मौजूद होता था सिर्फ वहीं से आप डेटा को टाइप कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही स्प्रेडशीट में होता है सेल पॉइंटर। और ये सेल पॉइंटर क्या है? द सेल पॉइंटर मार्क्स द लोकेशन वेयर यू कैन एंटर एंड इंडिकेट कमांड्स। यानी ये इस तरह का मार्क होता है, दोस्तों इस तरह का ये मार्क होता है और जिस सेल पर भी आप इस मार्क को रखेंगे आप सिर्फ उसी सेल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी उसी सेल में डेटा को डाल सकते हैं। और जैसे ही ये मार्क आप किसी भी सेल पर प्लेस करेंगे अब वो सेल एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों आमतौर पर सेल की दो स्टेट्स होती हैं, एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल। एक्टिव सेल वो सेल होता है जिस पर आप डेटा को इंसर्ट करने वाले होते हैं। और याद रखें जिस भी सेल को, यानी जिस भी सेल में आपको डेटा डालना है पहले आपको उसको एक्टिव करना होगा। कैसे? आप उस पर सेल पॉइंटर प्लेस कर देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। और फ्रेंड जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उस स्प्रेडशीट में उस पर इस तरह का एक उसका जो कॉर्नर्स होंगे, उसकी जो वॉल्स होंगी वो इस तरह बोल्ड हुई भी होंगी, जिस जो कि ये इंडिकेट करेंगी कि ये जो सेल है ये इस वक्त इन तमाम सेल्स में एक्टिव सेल है। तो फ्रेंड्स ये था एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल के अलावा, यानी इस बोल्ड हुए हुए सेल के अलावा जो भी सेल्स हैं ये कहलाते हैं पैसिव सेल। दोस्तों आप दो तरह से सेल पॉइंटर को किसी भी सेल पर प्लेस कर सकते हैं, यानी किसी भी सेल पर प्लेस करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। नंबर वन इज विद द हेल्प ऑफ माउस एंड द अनदर वन इज विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। दोस्तों सबसे पहले आप सेल पॉइंटर को माउस की मदद से जिस भी सेल को आपने एक्टिव करना है उस पर लेकर जाएंगे और जब वो सेल पॉइंटर उस सेल पर आ जाएगा तो आप माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब वो सेल एक्टिव हो जाएगा। और कीबोर्ड के जरिए सेल को एक्टिव करने का तरीका ये है कि आप कीबोर्ड पर मौजूद एरोस की को प्रेस करके सेल पॉइंटर को दाएं, बाएं, ऊपर या फिर नीचे की जानिब मूव करवा कर सेल को एक्टिव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपने सेल को एक्टिव कर लिया, अब बारी आती है उस सेल में डेटा को इंसर्ट करवाने की। और याद रखें पहले आपको सेल को एक्टिव करना होगा, एक्टिव करने के बाद ही आप उसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो भी सेल एक्टिव होगा अब आप उसमें जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो कीबोर्ड की मदद से टाइप कर लें और टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर दें। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा आपने इंसर्ट किया होगा वो आपको उस सेल में शो हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी सेल को एक्टिव करने के बाद फॉर्मूला बार में भी आप डेटा को लिख सकते हैं और जो भी डेटा आप इस फॉर्मूला बार में लिखेंगे वो आपको इस सेल में शो होता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स आइए अब आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप एमएस एक्सेल में किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आपके सामने मौजूद है और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए। दोस्तों जिस भी सेल को हमें एक्टिव करना है सबसे पहले हम उस पर अपना सेल पॉइंटर लेकर जाएंगे। जो आपको एक प्लस साइन का एक कर्सर नजर आ रहा है ये कहलाता है सेल पॉइंटर। फॉर एग्जाम्पल अब हम सी कॉलम और थर्ड रो से मिलकर जो भी एक सेल बन रहा है इसको हमें एक्टिव करना है। तो मैं सबसे पहले इस पर ये सेल पॉइंटर लेकर जाऊंगी और सेल पॉइंटर ले जाने के बाद मैं इस पर माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक करूंगी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने
लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं कि ये सेल एक्टिव हो गया है। दोस्तों मुझे कैसे पता लगा कि ये सेल एक्टिव हो गया है? क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स हैं ये ब्रॉड हो गए हैं, ये मोटे हो गए हैं, ये आपको हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो भी सेल स्प्रेडशीट के अंदर यानी एक पर्टिकुलर शीट के अंदर जो भी सेल आपका एक्टिव होगा उसका एड्रेस आपको इस नेम बॉक्स के अंदर भी नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर अपने माउस को क्लिक करती हूँ माउस की मदद से, तो आप जो आप एड्रेस देख रहे हैं वो D3 है, यानी इस सेल का है जो कि एक्टिव है, विच मीन्स कि जो भी एक्टिव सेल होगा उसका एड्रेस आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। अब एक्टिव करने के बाद जो दूसरा काम होता है, मतलब हम एक्टिव क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उस सेल में डेटा को इंसर्ट करवाना होता है, क्योंकि जब तक आपका सेल एक्टिव नहीं होगा आप डेटा को इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो मैंने इसको अब एक्टिव कर लिया है। अब मैं जो भी इस पर क्लिक करूंगी तो आपके सामने अभी कर्सर भी बना हुआ नजर आ रहा होगा जो कि ये कह रहा है कि अब आप इसमें डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ABC 1 2 3 जो भी मैं डाटा चाहती हूँ वो मैं इसके अंदर इंसर्ट करवा सकती हूँ। और इंसर्ट करवाने के बाद मैं जैसे ही एंटर की जो कि मेरे कीबोर्ड पर मौजूद है प्रेस करूंगी, तो आप देखिएगा कि अब आपको ये पूरा जो भी मैंने डाटा इंसर्ट किया है आपको इस तरह से शो हो जाएगा। और मेरा जो सेल पॉइंटर है, जो मेरा सेल है, अब वो उसके नीचे वाले एरिया पर आ गया, यानी उससे नीचे वाले सेल पर अब मेरा सेल आ गया है, अब एक्टिव हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी सेल में डाटा को इंसर्ट करवा। दोस्तों सेल के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के बाद जो दूसरा काम आप सेल के अंदर कर सकते हैं वो है मॉडिफाइंग द सेल। दोस्तों याद रखें स्प्रेडशीट में सेल क्या है, ये एक स्टोरेज यूनिट है जिसमें आपका डाटा जाकर स्टोर होता है। अब अगर आपने एक सेल को एक्टिव करके उसमें डाटा टाइप कर भी दिया तो उस सेल में डाटा स्टोर नहीं हुआ, और उसमें तब तक डाटा स्टोर नहीं होगा जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे अब आपके सेल में डाटा स्टोर हो जाएगा। अब अगर आपने एंटर की प्रेस नहीं की और आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी डेटा टाइप करने में, तो आप सेल पॉइंटर को जहां गलती हुई है वहां प्लेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बैकस्पेस की के जरिए डेटा को मिटाकर नया डेटा भी टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने एंटर की प्रेस कर दी है अब आपको आप अपने सेल में पड़े डेटा को मॉडिफाई करना है, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए आपको दोबारा उस सेल को एक्टिव करना होगा, तभी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी एक तरीका तो ये है कि आपने एंटर की प्रेस नहीं की और आपको सेल में कोई गलती नजर आ रही है तो वो आप बैकस्पेस की के जरिए या सेल पॉइंटर के जरिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एंटर की प्रेस कर दी है तो अब अगर आपको उस सेल में कोई चेंजिंग करनी है तो आपको दोबारा उस सेल के पास सेल पॉइंटर को लेकर जाना होगा, सेल पर क्लिक करना होगा। जब वो सेल एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होने के बाद आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों सेल के अंदर यानी कोई भी डाटा आपने लिख दिया है और आपको लग रहा है कि उसके अंदर कोई गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक मैंने सेल है, इसमें एक वर्ड लिखा है कंप्यूटर। अब जब मैंने ये लिख दिया तो मुझे लगा कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर यू आना चाहिए था। तो अगर मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस नहीं की है विच मीन्स कि अभी तक इस सेल में कोई डाटा स्टोर नहीं हुआ है, तो मैं इस कर्सर को भी यानी इस सेल पॉइंटर को भी जहां पर भी प्रेस करना चाहूं इसको प्रेस करके वहां पर मजीद अपनी मर्जी का डाटा इंसर्ट कर सकती हूं। इसके अलावा मैं बैकस्पेस की के जरिए भी यानी ये जो मेरे कीबोर्ड पर बैकस्पेस की है उसके जरिए भी इस डाटा को रिमूव कर सकती हूं। यानी अगर आपने एंटर की प्रेस नहीं की है तो आप बआसानी किसी भी सेल के अंदर मौजूद डाटा को मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन अगर आपने एंटर की प्रेस कर दी है तो अब आपके सेल में डाटा स्टोर हो चुका है। अब अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आपको वही पुराने वाला काम करना होगा। आपको सबसे पहले इसके ऊपर सेल पॉइंटर लेकर जाना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा, इसको एक्टिव करना होगा, और एक्टिव करने के बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे अब आपको ये इजाजत है कि आप इस सेल में मौजूद डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आप उस सेल को एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेल अब मॉडिफिकेशन मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप सेल में मौजूद किसी भी डाटा को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों सेल में डाटा को मॉडिफाई करने के अलावा आप स्प्रेडशीट में मौजूद किसी भी रॉ कॉलम या फिर
सेल को, किसी भी नए सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अक्सर आप स्प्रेडशीट में डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो बीच में आपसे कोई रॉ या फिर कॉलम मिस हो जाता है। इसके अलावा आप किसी सेल को ही मिस कर देते हैं तो एमएस एक्सेल आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप बीच में से किसी भी रॉ को, कॉलम को या फिर सेल को ऐड करवा सकते हैं। दोस्तों किसी भी रॉ, कॉलम या फिर सेल को इंसर्ट करवाने के लिए आप सबसे पहले जहां भी आपको रॉ को इंसर्ट करवाना है वहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उस सेल पर राइट क्लिक दबाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको इंसर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स के जरिए आप किसी भी रॉ, कॉलम और सेल को अपनी स्प्रेडशीट में इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे, आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाते हैं। दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, आप किसी भी रॉ, कॉलम या फिर सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि हम किस तरह किसी भी रॉ को इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आपको जहां भी रॉ को इंसर्ट करवाना हो आप सबसे पहले उस रॉ को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस रॉ 8 में एक नई रॉ इंसर्ट करवानी है तो मैं यहाँ रॉ 8 को सिलेक्ट करूंगी। अगर मुझे रॉ 6 के अंदर यानी इस जगह पर एक नई रॉ इंसर्ट करवानी है तो मैं रॉ 6 को सिलेक्ट करूंगी। और जैसे ही मैं यहाँ पर एक नई रॉ इंसर्ट कर दूंगी तो आप देखिएगा कि अब जो ये 6th रॉ है ये बन जाएगी 7th रॉ, यानी यहाँ पर सेंट्रल जेडाइन लिखा हुआ आ रहा है, यह यहाँ पर 7 पर मुंतकिल हो जाएगा। आइए मैंने 6 पर क्लिक किया, इस सेल को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगी। अब आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है, आप इसमें इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मुझे एक नई रॉ को इंसर्ट करवाना है तो मैं यहाँ पर इंटायर रॉ पर क्लिक कर दूंगी और इंटायर रॉ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 6th रॉ मैंने सिलेक्ट की थी यहाँ पर आपके सामने एक नई रॉ इंसर्ट हो गई है और जो 6th रॉ थी अब वो 7th बन गई है। यानी ये देख सकते हैं जो डेटा आपका 6th रॉ में था अब ये 7th रॉ में आ गया है और अब ये एक एम्प्टी रॉ आपके सामने मौजूद है और आप इसके अंदर अपनी मर्जी का कोई भी डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप एक न्यू रॉ किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब बारी आती है कॉलम को इंसर्ट करवाने की। दोस्तों कॉलम को इंसर्ट करवाने के लिए आपको जिस भी कॉलम में, यानी ए टू जेड, जिस भी कॉलम में आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करवाना है, एक एम्प्टी कॉलम आपको चाहिए तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ ई कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही वाला डायलॉग बॉक्स दोबारा आ जाएगा। आप यहाँ इंटायर कॉलम पर क्लिक करेंगे, अभी देखिएगा ये आपके सामने, ये मैंने ई कॉलम को सिलेक्ट किया था तो मैं जैसे ही ओके करूंगी अब यहाँ पर एक एम्प्टी एक नया ई कॉलम आ गया है और जो पुराना वाला कॉलम था वो एफ में शिफ्ट हो गया है, यानी यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है जिसकी वजह से जो पहले से मौजूद कॉलम था वो आगे की जानिब मूव हो गया है। तो दोस्तों इस तरह आप एमएस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी नई रॉ और कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब बारी आती है सेल्स को इंसर्ट करवाने की। तो दोस्तों सेल को इंसर्ट करवाने के लिए आप सबसे पहले जहां भी आपको सेल को इंसर्ट करवाना है आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसको एक्टिव करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यही वाला ड्रॉप बॉक्स दोबारा ओपन होगा। अब आपको सेल से रिलेटेड दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, शिफ्ट सेल्स डाउन और शिफ्ट सेल्स राइट। तो दोस्तों जब आप शिफ्ट सेल्स डाउन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो जो ये वाला सेल होगा ये नीचे की जानिब मूव हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक खाली एक नया सेल मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने जैसे ही ओके किया तो अब जो यहाँ पर डाटा मौजूद था, यानी जो यहाँ ये वाला सेल था, ये नीचे की जानिब मूव हो गया, शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड और ये आपके सामने एक एम्प्टी एक नया सेल आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से अगर आप बाएं जानिब कोई नया सेल इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको दोबारा से ये डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब जब आप शिफ्ट सेल्स राइट करेंगे तो जो ये वाला सेल है ये बाएं जानिब मूव कर जाएगा और यहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर, किसी भी वर्कशीट के अंदर कोई नई रॉ, कॉलम
या फिर सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह आप रॉस कॉलम और सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी रॉ कॉलम या फिर सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पहले की तरह जिस भी रॉ कॉलम या सेल को आपने डिलीट करना है उस पर सेल पॉइंटर लेकर जाएंगे, फिर माउस पर मौजूद राइट बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा। आप इसमें मौजूद डिलीट बटन को क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा और इस डायलॉग बॉक्स के जरिए आप किसी भी रॉ कॉलम या फिर सेल को अपनी स्प्रेडशीट से डिलीट कर सकते हैं। कैसे, आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाते हैं। दोस्तों डिलीट करने के लिए, यानी अगर आप किसी भी रॉ कॉलम या फिर सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप वो काम बिल्कुल इंसर्ट की तरह करेंगे। आप उस रॉ को सिलेक्ट करेंगे, उस रॉ को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। अब आपको बिल्कुल इंसर्ट के नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा डिलीट का। अब जब इस डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से वही उसी जैसा एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको वही तमाम ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो अगर आपको पूरी एक रॉ को डिलीट करना है तो आप इंटायर रॉ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको पूरे एक कॉलम को डिलीट करना है तो आप इंटायर कॉलम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने इंटायर रॉ पर क्लिक किया और ओके किया तो अब ये पूरी रॉ आपके सामने डिलीट हो चुकी है और जो पीछे वाली रॉ थी वो अब ऊपर आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं किसी कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मैं वही वाला काम करूंगी, डिलीट, और डिलीट करने के बाद इंटायर कॉलम और ओके करूंगी तो अब ये कॉलम आपके सामने डिलीट हो चुका है और जो इससे आगे वाला कॉलम था वो इसकी जगह पर शिफ्ट हो गया है। दोस्तों इंसर्ट का जो सारा उल्टा काम है वो आपको यहाँ डिलीट में होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस सेल को पहले एक्टिव करेंगे, फिर उसको राइट क्लिक करेंगे, फिर डिलीट पर जाएंगे और डिलीट पर जाने के बाद आप जब शिफ्ट सेल्स अप करेंगे तो अब आपका ये सेल जो है, यानी ऊपर वाला सेल आपके सामने डिलीट हो जाएगा और ये सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह आपको यहाँ पर नजर आ रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो जब मैं लेफ्ट पर क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा कि अब ये वाला जो सेल है ये डिलीट हो चुकेगा और इसके जो ये वाला आपको सेल नजर आ रहा है इसके बाएं जानिब, ये लेफ्ट जानिब मूव हो जाएगा, लेफ्ट जानिब शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह आप किसी भी सेल को स्प्रेडशीट्स के अंदर डिलीट करवा सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में मौजूद किसी भी रॉ कॉलम और सेल को इंसर्ट या फिर डिलीट करवा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको मजीद कुछ नई चीजें सिखाएंगे सेल से रिलेटेड, जिसमें हम आपको सेल रेफरेंसिंग सिखाएंगे और सेल रेफरेंसिंग की टाइप्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस के डिफरेंस भी बताएंगे और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।